नमस्कार दोस्तों, आपके घर में वास्तु का दोष है ये किस प्रकार से जान सकते हैं? क्योंकि अगर आपके घर में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों आधारों पर आपके घर में जो भी दोष होंगे उसी के कारण उसी को ही वास्तु दोष कहते हैं। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके घर में वास्तु दोष है या नहीं, किस कारणों से पता चल सकता है वास्तु दोष आपके घर में है या नहीं, तो जानिए इस वीडियो के दौरान कि किस तरह से पता लगा सकते हैं कि वास्तु दोष आपके घर में उपस्थित है या नहीं। यदि आपके खिड़की और दरवाजे खोलने और बंद करने पर आवाज करते हैं तो समझ लीजिए कि आपके घर में वास्तु दोष उपस्थित है, और आप उसे अगर कम करना चाहते हैं या वास्तु दोष अपने घर में ठीक करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपने घर की खिड़की और दरवाजों का खास ख्याल रखें। आप खिड़की और दरवाजों में हफ्ते में या फिर महीनों में जब भी आवाज़ करना शुरू कर दें तो आप उसमें तेल डाल दें, और आप कोशिश करते रहें कि आवाज़ करने से पहले ही आप तेल ज़रूर डाल दें। तब भी जोड़ों में आप भी आपकी खिड़की या फिर दरवाजों में जोड़ में तेल डालोगे तो उससे आवाज नहीं होगी, जिससे कि आपका वास्तु दोष ठीक रहेगा। यदि आपके घर में बिजली के उपकरण हैं, जैसे पंखा, कूलर या फिर एसी, इन चीजों के उपकरणों में कभी कभी कर्कश जैसी आवाज आनी शुरू हो जाती है या फिर आवाजें इतनी भयानक हो जाती हैं जो कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा देते हैं, तो आप कोशिश करें कि अगर आपके पंखे या फिर कूलर आवाज कर रहे हैं तो उसे आप मैकेनिक के पास ले जाएं, जिससे कि मैकेनिक उन चीजों को ठीक कर दे और जिससे कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक में बदल जाए। क्योंकि जो भी उपकरण आवाज करते हैं तो वह आपके घर में वास्तु दोष के कारण ही करते हैं। तो यदि आपके घर में भी ऐसी कोई उपकरण आवाज करने लगे हैं तो आप अपने उपकरण को चेक कराएं ताकि आपके घर से वास्तु दोष दूर हो सके। यदि आपके घर में टंकी लगी हुई है और टंकी का जो पानी का प्रवाह है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, यानी कि जब आपको पानी चाहिए तो वह पानी का फ्लो ठीक से नहीं जा रहा है या पानी चढ़ नहीं रहा है या फिर पानी रुक रुक कर आ रहा है, तो वह भी आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और जिसकी वजह से आपका वास्तु भी खराब होता है। यदि आपके घर में भी ऐसा ही है और टंकी से पानी निकल रहा है या फिर टंकी आपकी खराब हो गई है जिसकी वजह से पानी निकलता रहा है और निकास हो रहा है, तो आप प्लम्बर को बुला के उसकी मैकेनिक जरूरी करवाएं, क्योंकि ऐसा करने से आपकी जो टंकियां हैं वो ठीक भी हो जाएंगी और आपके पानी का फ्लो भी ठीक हो जाएगा। और आप कोशिश करें कि ईशान कोण में कभी भी टंकी को नहीं लगाना है, क्योंकि ईशान कोण की तरफ टंकी लगाने से आपके घर में वास्तु दोष खुद ही उत्पन्न हो जाता है। आप कोशिश करें कि आप अपनी टंकी यानी कि पानी जहाँ से लेना है वह उत्तर और पूर्व दिशा में ही लगाएं। टंकी लगाने का सबसे अच्छी दिशा उत्तर और पूर्वी है। यदि आप उस दिशा में टंकी लगवाते हैं तो नकारात्मक सकारात्मक में परिवर्तित हो जाता है, जिससे आपको अपने वास्तु दोष को ठीक करने का सही तरीका है। यदि आपके घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, आए दिन कोई ना कोई नई बात आपके घर में उठती रहती है जिसकी वजह से आपके घर में लड़ाई झगड़े कुछ हद तक ज़्यादा हो रहे हैं, हफ्ते में महीने में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, चाहे वो पति पत्नी हो, भाई बहन हो या फिर आपके घर में कोई आम सदस्य है, अगर लड़ाई झगड़े ज़्यादा ही बढ़ रहे हैं तो उसके लिए आप कोशिश ये देखें कि आपके घर का जो छत है वह पूरब से उत्तर का जो हिस्सा है वह ऊँचा ना हो, और यदि वह ऊँचा है तो आप ये खास ध्यान दें कि जो पश्चिम और दक्षिण हिस्सा है वो नीचा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा आपके घर का डेकोरेट किया हुआ है या फिर आपका जो फ्लोर है छत का वो इस तरह से बना हुआ है जिसकी वजह से आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो आप इस छत को जल्दी ही मरम्मत कराएं, क्योंकि यह सबसे बड़ा वास्तु दोष है आपके घर में। यदि आपकी छत इसी प्रकार से बनी हुई है तो आप अपनी छत की मरम्मत जल्दी करा लें, क्योंकि ऐसे ही आपकी छोटी मोटी लड़ाई बड़ा रूप ले लेंगी और भयंकर भी ले सकती है, और उसकी वजह से आपके जीवन में आपके परिवार के सदस्यों के बीच मनमुटाव बना रहेगा, और मनमुटाव को ठीक करने के लिए आप कोशिश करें कि आप अपने घर को वास्तु दोष के हिसाब से ही बनवाएं, जिससे कि आपका घर ठीक भी बनेगा, वास्तु के हिसाब से बनेगा, जिसकी वजह से आपके घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। और यदि आपका वास्तु दोष के हिसाब से घर नहीं बना हुआ है तो जो वास्तु दोष है वो थोड़े से शांत हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपके घर में होने वाली लड़ाई झगड़े या फिर और भी समस्याएं उत्पन्न होने वाली वह सभी समाप्त हो जाएंगी। तो ये है वास्तु दोष पहचानने के तरीके। यदि आपके घर में भी अगर ऐसा ही कुछ है तो आप समझ जाइए कि आपके घर में वास्तु
वास्तु दोष है, तो आप उसके उपाय भी अपना सकते हैं। घर वास्तु दोष के हिसाब से बना हुआ है, तो आप देख लें, अच्छे से समझ लें कि वास्तु दोष थोड़ी छोटी चीजों से भी हो जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि घर की दीवारों में दरारें बन जाती हैं, यह भी वास्तु दोष के कारण ही होता है। यदि आपके घर में दीमक हो गई है या फिर दीमक होने की वजह से आपके घर के आधे से ज्यादा सामान दीमकों ने खा के रखा हुआ है, यानी कि दीमक की वजह से चीजें बिगड़ रही हैं, तो आप ऐसी चीजों को बिल्कुल हटा दें। और दीमक समाप्त करने के लिए भी, यानी कि दीमक सबसे बड़ा कारण होता है आपके घर में वास्तु दोष का, आपके घर से वास्तु दोष बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। तो ये है वास्तु दोष पहचानने के तरीके और उनके उपाय। मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।